बीकानेर तहसील के खापा थाना अंतर्गत बहने वाली कन्नान नदी से अवैध रूप से रेती चोरी की कोई नई बात नहीं। रोजाना हजारों ब्रास रेती चोरी कर रेती चोर लाखों करोड़ों की माया बटोर ले रहे हैं। वही जिलाधिकारी सहित सभी राजस्व अधिकारी छूट मूट कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। ज्ञात हो कि कन्हान नदी के सभी रेती घाटों से रेती उत्खनन की मंजूरी नहीं मिलने से सभी घाट बंद पड़े हैं। ऐसे में रेती चोरों की निकल पड़ी तथा शाम ढलते ही अवैध रूप से रेती चोरी का खेल खुलेआम शुरू हो जाता है और एक रात में ही सैकड़ों ट्रक लाखों रुपयों की कीमत की हजारों ब्रास रेती चुराने का कार्य बेखौफ शुरू हो जाता है। इस चोरी के खेल में बकायदा जेसीबी तथा पोकलैंड मशीनों को भारी पैमाने पर उपयोग किया जाता है। साथ ही सावनेर तहसील कार्यालय से कन्हान नदी के घाटों तक बकायदा फील्डिंग लगाई जाती है ताकि तहसील कार्यालय से उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार तथा अन्य राजस्व अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ऐसा ही एक सामूहिक रेती चोरी का मामला कन्नान नदी के बंद पड़े शिव घाट की जांच करने पर पहुंचे मंडल अधिकारी कल्लू हसन कनोजे के शिव घाट पहुंच उजागर हुआ, जहां रेती चोरी करते हुए एक साथ 27 रेती चोरों को रेती चुराते हुए पाए गए तथा उनसे 1309 ब्रास रेती कुल कीमत 34,03,400 रुपए का मुद्दे माल जब्त किया है। आरोपी की पहचान अखिल लाड, अर्जुन जांगड़, अर्जुन निये, आशीष निये, ईशांत बागड़े, कुणाल एनुरकर, पिंटू सुरकार, बाल्या सुरकार, योगेश चरडे, शुभम हिंगे, गणेश जांगड़े, असलम शाह, अक्षय लखपति, स्वप्निल सुरजुसे, पंकज पैठनकर, अविनाश कोले, आदित्य घटे, रमेश बोंद्रे आदि के खिलाफ तहसील प्रताप वाघमारे के मार्गदर्शन में मंडल अधिकारी कल्लू हसन कनोजे की शिकायत पर धारा 379-34 नुसार खापा थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच हवलदार बोर कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले।